जय हिंद। आप देख रहे हैं एनयू न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरेगांव के मयूर नगर में। आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के द्वारा बहुत से सदस्यों को महाराष्ट्र नव निर्माण में सेना में शामिल किया गया है। आज पक्ष प्रवेश था। आज यहां के शाखा प्रमुख संजय शिंदे के द्वारा बहुत से कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना में शामिल किया गया। हमारे साथ में मौजूद है विभाग अध्यक्ष श्री बाबूभाई पिल्ले जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और आगे की आपकी रणनीति क्या है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की। सबसे पहले तो सर आपका न्यायिक उजाला में हार्दिक स्वागत है। सर आज महाराष्ट्र नव निर्माण सेना में बहुत से लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया, आज पक्ष प्रवेश था, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आदरणीय राजसाहेबांच्या वरती महाराष्ट्रामध्ये रहणारे प्रत्येकाला प्रेम करून राजसाहेबाने महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसासाठी महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रासाठी एवढं काम केलेले लोक कोविडमध्ये असे कुठलाही प्रश्न असते सिर्फ सर्व प्रश्न सुटणार एकत्र होतो तो आमच्या कृष्णगुंज आता याच्याशिवाय तीर्थ झाला। हे आता सर्व प्रश्न महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीकडून प्रश्न सुटते नाही, वो प्रश्न पण आदरणीय राजसाहेबांच्याकडे प्रश्न सुटतंय। म्हणून इथे मयूर नगरमध्ये आरे कॉलनीच्या मयूर नगरमध्ये 100 जास्ती कार्यकर्ता महिला पुरुष आज पश्चिममध्ये प्रवेश केला। प्रवेश करायचं कारणही इकडच्या सत्ताधारींच्या हे लोगोंच्या वरती लेक्चर दुर्लक्ष केला। म्हणून आज तुम्हाला माहिती असणार तुम्ही हे मयूर नगर पर्यंत यायसाठी तुम्हाला किती रस्त्याच्या अवस्था तुम्ही बघितल्या असणार। हे रस्त्याच्या अवस्था, पाऊस पडला होतो ते रस्त्याच्या अवस्था, आता इकडे लोगोंच्या वरती कोणाचा विचार नाही। हे लोक कसं पण राहत आहे, किडा मुकडा सारखं राहत आहे। याला माहितीये मतदानच्या वेळ याला पॅकेट दिलं होतं तो आम्ही निवडून येणार। हे लोक आमच्या पॅकेटच्या वरती पडणार, आमच्या चिरीमिरीवरती पडणार। यांच्यासाठी याला जवाब देण्यासाठी इकडच्या स्थानिक कार्यकर्त्याने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पक्ष प्रवेश केल्याबद्दल मी या लोकांचे पण धन्यवाद करते। तुम्ही इथे वेळ काढून तुम्ही तुमच्या माध्यमातून हे लोगोने दाखवला प्रयास करते, यांच्याबद्दल पण तुम्हाला पण मी मनापासून अभिनंदन करते। हमारे साथ में मोहन मोहिते जी हैं। सर आप बताइए कि आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? चुनाव आ रहे हैं, रास्ते खराब हैं, तो इसके बारे में आप लोग का क्या आगे का रणनीति है? देखिए ये जो आरे कॉलोनी है यहाँ 60,000 की लोक संख्या है। इसमें लोगों ने हमेशा जिनको चुन के दिया है यहाँ से लोग आमदार हो गए, मिनिस्टर हो गए, खासदार हो गए और 25-30 साल से नगर सेवक भी लोकल जो है वो शिवसेना के ही है। इतने इतने साल इनको देने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं होता, फिर वापस वही मुंह लेके इन लोग पब्लिक के सामने आते हैं हमें मतदान कीजिए। किस बेस पे इनको मतदान किया जाए? आज लोगों के अगर काम ही नहीं होते होंगे तो क्या मतलब है इनको चुन के वापस देना? अभी भी आरे में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, तो इसमें आप लोगों का क्या आगे का रणनीति है? हमारा तो यही कहना है, देखिए जिनका जिनके सवालों के जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे पाते उन सवालों के जवाब हमारे राज साहब के पास में मिलते हैं। याद रखिए लोगों को अपेक्षा उनसे है, वो वहां पे जाते हैं और उनकी ही सोच लेकर हम लोगों में आते हैं। आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे कि काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से किया जाता है, लोगों की जिन लोगों की जो जो समस्या है इस आरे में, जो जो समस्या है उस समस्या का निवारण हम लोग करेंगे जिस दिन हमारे कैंडिडेट चुन के आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस वक्त लोगों ने जान लिया है कि हमारा काम करने वाला कौन है, हमें न्याय देने वाला कौन सा नेता है, तो वो एक ही है, वो सम्माननीय राज साहब ठाकरे, उनका पार्टी है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। वो जो कैंडिडेट देंगे वो यहाँ पे चुन के आएंगे इस बार, और आने के बाद हम दिखाएंगे कि हम किस तरीके से काम करते हैं। एनयू न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सबू शकील के साथ मैं सिराज मंसूरी।